यूज करती हूँ टोनर, तो टोनर के लिए मैं इस टाइम यूज करूँ बायोटिक। याद रखें टोनर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। अब मैं सीरम के लिए यूज कर रही हूँ बायोटिक का सीरम। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ। अब इसको लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देना ताकि आपकी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। अब मैं इसके बाद यूज कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। पिछले कई वीडियो से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यही मॉइस्चराइजर यूज करूँ क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा है, ये आपकी स्किन पे एक शाइनिंग इफेक्ट देता है और इस टाइम मुझे मेरा मेकअप ग्लॉसी ही पसंद है। विंटर आ गई, विंटर स्टार्ट हो गई है तो इसलिए हम लोगों का फेस ड्राई हो जाता है, तो इसीलिए मैं वही प्रोडक्ट यूज करती हूँ जिससे मेरा फेस थोड़ा सा ग्लोई लगे। अभी मैंने मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ड्राई लग रहे हैं मेरे लिप। अच्छे से मसाज करने के बाद आपको खुद ही आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लो दिखाई देगा। देखिए इसके बाद मैं यूज करूंगी आई जेल, मतलब अंडर आई क्रीम, तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का आई जेल। अब इसके बाद मैं यूज करूंगी प्राइमर, तो मैं यहाँ पर प्राइमर के लिए यूज करूँ किस ब्यूटी। ये प्राइमर आपको आसानी से आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं यूज करूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। अब मैं पूरे बेस को सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ लैक्मे सन एक्सपर्ट, क्योंकि मैंने कोई सनस्क्रीन नहीं लगाई है तो इसलिए मैं सन एक्सपर्ट यूज करूँ। एक कम्पैक्ट का भी काम करेगा और सनस्क्रीन का भी। एक कम्पैक्ट मुझे उतना नहीं पसंद है, फिर भी अब ले ली हूँ तो यूज तो करना ही पड़ेगा। वैसे मैं डेली आई शेडो वगैरह नहीं लगाती हूँ बट यहाँ पर दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, अगर कोई लगाता हो तो उसके लिए हेल्प हो जाए। तो मैं यहाँ पर आई शेडो के लिए यूज करूँ फेसेस का आई शेडो। यहाँ से ये वाला शेड लेके अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी। मैं सिर्फ हल्का सा लगाऊंगी, ज्यादा नहीं। अब मैं ये शेड अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी। ये काफी क्रीमी, अगर मैं ब्रश यूज करूंगी तो ज्यादा हो जाएगा। अब मैं यूज करूंगी एनवाइवे का लिक्विड आईलाइनर। अब मैं अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए यूज करूँ जेल आईलाइनर, ये है एपीके ब्रांड का। मैं सिर्फ जो खाली जगह है वही भर ली। ताकि मेरी आईब्रो नेचुरल लगे। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं मेकअप में कुछ करूं या ना करूं बिना हाइलाइटर के नहीं रह सकती, तो यहाँ पर मैं हाइलाइटर के लिए यूज करूंगी सिवाना का कलर ब्रिक सेट नंबर 04। जी हाँ, मैं डेली हाइलाइटर लगाती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा चमकूं, तो ज्यादा नहीं थोड़ा सा लगाऊंगी। यहाँ से ये वाला सेट मैं यूज करूंगी ताकि ये ब्लशर और हाइलाइटर दोनों का काम करे। तो ये देखिए मैं हल्का सा लगा रही हूँ, इससे नेचुरल लगेगा। मैं काजल के लिए यूज करूंगी एनवाइवे का।
अब मैं ये सिर लेके अपनी आईज के नीचे स्मज कर लूंगी। इससे हमें एक अच्छा सा लुक भी मिल जाएगा और हमारा काजल स्मज भी नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर लिपस्टिक के लिए यूज कर रही हूँ एनवाइवे की मेटेलिक लिपस्टिक। मेरा सेट नेम है रोजेज इन गन्स 1। इन सभी के परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये काफी प्यारा न्यूड शेड है। इसकी जो मेटेलिक रेंज की लिक्विड लिपस्टिक है काफी ज्यादा अच्छी है। मेरे पास 4-5 शेड हैं इसके और सारे ऑसम हैं। मेरा लिप थोड़ा सा ग्लॉसी दिखे इसलिए मैं यहाँ पर यूज करूँ कलर बार का लिप ग्लॉस। मेरा शेड नंबर है 011 एंड शेड नेम है वेंटी मू और एक काफी प्यारा पिंक शेड है। और विंटर स्टार्ट हो गई है तो लिप ग्लॉस लगाना जरूरी होता है अगर आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो तो। तो ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा स्किन केयर और मेकअप पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, इसे अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना। आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। सी यू सून।